भाई खाना बहुत बढ़िया बनी, सुंदर बनी, सुंदर हो रहा है ऐसा बोलता। ये थे हमारे कुछ गेस्ट जिनको पापा मैं सोच रहा हूँ आज अगर इसको ऐसे चाटा मारो ना तो थप्पड़ देते। ठीक है मम्मी तो बोल, मुझे नहीं आता। ट्राई कर। और आज पापा की देखो मम्मी ने ड्यूटी लगा दी। एक डिमांड थी यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत पहाड़ों से, इन खूबसूरत नज़ारों से। और आज सुबह सुबह एकदम चमचमाती धूप आ गई है भाई, क्योंकि कल मतलब रात को मौसम मस्त खुल गया था और उसके बाद इतनी प्यारी धूप आई है ना आज, मतलब ऐसा लग रहा है कि देखो मैं नॉर्मली टी शर्ट में रहता नहीं हूँ, लेकिन आज इतनी प्यारी धूप आई थी कि जैकेट मैंने अंदर ही रख दिया कि आज तेरी ज़रूरत नहीं है भाई। पर उसका विश्वास मतलब पैक तो नहीं किया लेकिन अंदर ही रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि पहाड़ों में उसका विश्वास नहीं होता है। आज धूप आ गई तो शाम को मौसम बदलने में भी देर नहीं लगेगी, तो अभी मस्त धूप लगी हुई है, नाश्ता वगैरह कर लिया है। और सुबह से ही ना आज का दिन बहुत गंदा जा रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब ये क्या होता है ना, कुछ लोग भारी जो मतलब सही बताओ ना कि मेरे को इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा आता है कुछ लोगों को देख के ना, कि अभी मेरे पास एक बुकिंग आई थी, अब मैं उससे कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट में था। उसने बोला कि भाई आ रहे हैं, चलो मैंने उससे बोला कि एडवांस भी छोड़ो, बोला ही नहीं क्योंकि उसकी बुकिंग ऐसी बुकिंग आई थी, तो मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं। और उसके चक्करों में मैंने इतनी बुकिंग छोड़ दी कि चलो यार मैं अब मतलब किसी के साथ दगा तो नहीं कर सकते हैं। अब आदमी जब ख़राब होता है ना इन्हीं कारणों से होता है, कि आज तक मतलब हमने कभी ऐसा किया नहीं कि जब किसी की बुकिंग आती है ना तो फिर हम किसी के साथ दगा नहीं करते हैं, चाहे उसमें पैसे कम कमाएँ ज़्यादा कमाएँ, फिर जो कमिटमेंट हो जाती है तो हो जाती है। लेकिन उस बंदे ने क्या किया मेरे साथ लास्ट टाइम पे, मतलब वो चेक इन करने ही वाला था, अभी मतलब पहुंच ही गया था, जैसे ये वीडियो आप कल देख रहे ना तो आज मतलब अभी ये बंदा पहुंचने वाला था, उसी मिनट पहुंच गया था, तो उसने लास्ट टाइम पे बुकिंग कैंसिल कर दी कि हम वहाँ नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा दुख होता है यार कि मतलब मैंने उसको बोला भी, भैया मैंने आपके चक्करों में काफ़ी बुकिंग छोड़ दी है तो आप ऐसा मत करो, लेकिन क्या बोला यार बाहर वाले लोगों को कहाँ, अब उनको ये होता ना कि कोई ना कोई आ जाएगा, ऐसा नहीं होता यार, यहाँ पे लोग लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड सोर्सेस हैं। अब ऐसा भी नहीं कि वो कोई चलता फिरता कोई हाईवे है कि कोई चलो टपक ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर आपने बुकिंग करवाई है तो आपको स्टे भी करना पड़ता है, और उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा दगा कर दिया। फिर से सुबह से ही मतलब क्या बोला लास्ट टाइम में, मतलब अब ये थोड़ा सा एक दो दिन ऐसा था ना, वीकेंड था ना, ये वीकेंड भी था, गुड फ्राइडे भी पड़ रहा था, तो छुट्टियां बहुत थी लोगों के पास, तो लोग आ रहे थे मतलब, और मैंने इतनी बुकिंग छोड़ी, लोगों को बोला भाई मतलब जो इतने करीबी भी थे ना उनको बोला कि अब क्या कर सकते हैं, अब बुकिंग है नहीं, तो उनको भी अलग अलग जगह दिलवा दिया, लेकिन उस बंदे ने लास्ट में दगा कर दिया, तो क्या ही कर सकते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहे यार। और इस चक्कर में पता क्या हो जाता है, जो सही लोग होते हैं ना, जो सोचते हैं कि हम भला करेंगे तो सामने वाले के साथ भला होगा, तो वो पिस जाते हैं। अब उन्होंने ऐसा किया, अब मैं सामने वाला, अब जो मेरे पास दूसरी कभी ऐसी बुकिंग आई ना तो मैं उनके साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से बात करूंगा, या स्ट्रिक्ट तरीके से जो जैसा भी प्रोसेस रहता ना ऐसी तरीके से बात करनी पड़ेगी, तो जो सामने वाला बंदा कभी अच्छा भी निकलेगा तो उसके साथ फिर गलत हो जाता है। तो बहुत टाइम हो गया मेरे साथ, मैं मतलब कुछ लोग ऐसा गंदा काम कर देते हैं ना तो उसमें जो अच्छे लोग रहते हैं ना वो पिस जाते हैं, तो क्या ही बोला है, मतलब ये लोग गलत मतलब पहाड़ हमारे ऐसा शांत स्वभाव का मतलब फ़ायदा उठा देते हैं। अब मेरा मन कर रहा था ना अगर वो मेरे को सामने मिला ना, अगर मैं मतलब मेरे को पता है वो कहाँ रुका हुआ है, मैं सोच रहा हूँ आज अगर इसको ऐसे चाटा मारो ना तो थप्पड़ देते खतरनाक लगाऊंगा ना, पैसे भी लूंगा और उसको थप्पड़ भी लगाऊंगा, तो अगर मेरे पास अगर ये रूम लगे नहीं ना तो फिर मेरे से बुरा हो, आज मतलब मेरा पारा हाई चढ़ गया, सुबह सुबह पापा का भी दिमाग ख़राब हो गया, मेरा भी, मम्मी भी बोल रही यार उसने ऐसा कर दिया, तो थोड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए जब भी कभी ऐसे काम करते हो ना तो फिर थोड़ा कमिटमेंट के हिसाब से भी चलना चाहिए यार। तो अभी इन लोगों का लंच हो गया, अब ये निकलेंगे अपने हरिद्वार के लिए, क्योंकि इन्होंने लंच मतलब बहुत जल्दी, अभी टाइम तो नहीं हुआ लंच करने का, लेकिन थोड़ा जल्दी लंच कर लिया क्योंकि इन्होंने बोला कि हमें अब हरिद्वार के लिए निकलना है, और ये सुबह ना 4 बजे निकल गए थे देवराताल के लिए, तो देवराताल फिनिश करके आ गए, तो इन्होंने बोला नाश्ता करने का मन तो नहीं है और रास्ते में फिर खाने का कहीं मूड बनेगा नहीं तो यहीं पर लंच करके चलते हैं, तो इन्होंने लंच कर लिया, अब इनको छोड़ते हैं और ये फिर निकलेंगे हरिद्वार के लिए। कभी कभी ना हम इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाता है ना कि मतलब पूछो नहीं कितना बिजी हो जाते हैं। अभी देखो बंगाली लोग चेकआउट करके गए और फिर कुछ और लोग आ गए, तो उनके चक्कर में फिर टाइम ही नहीं मिला, और एक भैया है ना वो सुबह सुबह ट्रैक पर निकल गए थे और वहाँ पर थोड़ा खेल गए, तो उनकी भी ऐसी हालत हो रही है, यहाँ पर चोट लगी हुई है, तो वो भी लेटे हुए हैं, उनकी भी थोड़ा देख रेख करनी पड़ रही है, मतलब अपनी खाने की शुद्धि नहीं है।
और जो भैया गिर गए थे ना, मम्मी ने उनके लिए खिचड़ी बनाई थी, तो सुबह से मेरे को भी टाइम नहीं मिला खाना खाने का, तो मम्मी ने तो खा लिया, मैं भी अभी खिचड़ी खाता हूँ। और ये पैसा भी क्या क्या नहीं करवाता यार आदमी से, मतलब ज़िंदगी जीना भूल जाता आदमी। अब ज़रूरी भी है ना पैसा, मतलब हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि यार पैसा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ज़िंदगी को जियो, लेकिन उस ज़िंदगी को जीने के लिए भी पैसा बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जिसमें हम अपनी शुद्ध बुद्ध सब भूल जाते हैं। तो अभी रात का डिनर बन रहा है, और उससे पहले हम खा लेते हैं, मतलब खाने पी लेते हैं, क्या पी लेते हैं, क्या जी, मंचाओ सूप, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और ऐसी ऐसी चीजें भी हमने कहाँ खानी थी यार, ऐसी चीजें भी मम्मी ने भी, मैं तो बाहर खा लेता, लेकिन मम्मी की किस्मत भी गरीब आ रही है। मम्मी ऐसी हांगकांग चाउमीन, पता नहीं क्या क्या नाम है, नाम बोलना भी नहीं आ रहा मैं। दीदी एक बार नाम बोलना, क्या नाम है इसका, हांगकांग मंचाओ सूप। ठीक है मम्मी, तो बोल, मुझे नहीं आता। ट्राई करना, ट्राई कर, ट्राई कर, हांगकांग मंचूरियन सूप, मंचाओ, मंचाओ मंचूरियन ना, जो चीज हमें पसंद नहीं है वो हम पसंद क्यों नहीं खाते, तो मैं कटोरा तो तूने ये रखा हुआ, कटोरा तो तूने ये रखा हुआ बड़ा बड़ा, खा नहीं रही तू, बस हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा, थोड़ा ये सूप में टेस्ट नहीं आ रहा था, तो दीदी ने बोला सॉस मिला दो, तो अब मस्त हो गया। खाना खाना बने, खाना खाना बने, खाना बहुत बढ़िया बनी, सुंदर बनी, सुंदर हो रहा है, ऐसा बोलता है, ऐसा ही हो रहा है। नहीं तो तुम्हारा उम्र कद है जी, उम्र कद है, 40 पार हो गई। यू तो तुम भेजी के लिए बना था, नहीं भेजी तो अंकल के लिए बना, यू तो भेजी बोलना चाहिए, हां यू तो भेजी बनवा, भेजी 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 बनवा, भेजी ठीक, खाना खाना चाहो, खाना खाना बहुत सुंदर, बहुत मस्त, बस तुमको कहां से बोलना, कख भेजे तुम, हां तुम गांव का जी, शहर है जयपुर, जयपुर है, जयपुर जयपुर राजस्थान। गढ़वाली चाय दुकान के सीखे तुम, गढ़वाली आपसे सीखे, बेजी से सीखे, बेजी से, हाँ बेजी से सीखे, एक ही दिन में, एक ही दिन में, दो दो दिन में, दो दिन में बेजी सिखाई हूँ, अभी वापस आएगी सीखने, पता पता पता, चोट कपा लेगी, चोट कपा लेगी, चोट सुबह लग गई, कपा कपा कपा, अंधेरे में उधर तुंगनाथ मंदिर के पास, अच्छा अकेले गए थे, अरे जल्दी ले गए, ट्रैक हमने ओपन किया, ना ना तेजा जल्दी ले गए तुम, तेजा जल्दी ले गए, गाम बगड़ के लिए, गाम बगड़ भरो, अभी गाम बगड़ से पहले चंडीशिला जानू, अच्छा गाम बॉर्डर से पहले है क्या, गाम बगड़ से पहले, गाम बगड़ तो हो गई, गाम बगड़ हो गया, गाम बगड़ नहीं, गाम लगन, गाम लगन, गाम लगन से पहले, गाम लगन से पहले चंडीशिला पहुंच जानू, योजना थी, हां योजना थी, लेकिन पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, तो अगली बार फिर आके पूरी करेंगे, बाबा ने आपको दोबारा बुलाया, हां बाबा ने बचाया, अब ऐसे जाते नहीं तो सीखते कैसे, सही बात सही बात, बाबा का जो मंत्र था वो कैसे पता चलता, ये बाबा साथ में है, सही बात सही बात सही बात, तो भाई जी साथ में है, मैं साथ में है, क्या बोल रहे हो, भाई साथ में है, भाई सेवल खा, खाना बढ़े बनियो, खाना बढ़िया बने, सही बोल एकदम एक्यूरेट, वही खाना बढ़े से बनियो, चलो फिर, चलो फिर मिलते हैं आपसे, पक्का बड़ा मिल रहा था, अभी सुबह मिलते हैं, बोला 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 मिल रहा, बोला बोला नेक्स्ट डे सुबह, उस गड़वाने में बोला बोलते हैं, बोला 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 बोला, हाँ बोला मिल रहा, बोला मिला, बोला मिला, ठीक अगली बार मिलते हैं, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ये थे हमारे कुछ गेस्ट जिनको पापा ने ना एक दिन में परफेक्ट बना दिया, मतलब गढ़वाली खतरनाक होने लगे, पापा कैसे सिखा आपने ये, उनके साथ बैठ के मैंने कहा गढ़वाली सिखाते तुम्हें, यहाँ का एक कल्चर है हमारा गढ़वाली भाषा सिखाते हैं, वो लोग सीखे भाई, सही बात है, सीखे गढ़वाली, मतलब काफी काफी नेचर से काफी लगाव थे वो, तो वो सीखना एक्सपर्ट सी काफी बढ़िया, मतलब सीख मतलब सो यो आदमी में मने से ना कि मतलब इच्छा नेचर से इच्छा लव से इच्छा प्यार से जयपुर राजस्थान में जयपुर से जयपुर बैठे से, तो लेकिन गढ़वाली चाय जल्दी सीखे कि बहुत जल्दी कैप्चर करने की क्षमता ना उनमें बहुत बढ़िया है, तो पापा ने जैसे उन्होंने बोला मेरे को गढ़वाली सीखनी है, पापा ने दो चार वर्ड बस ऐसे फेंक के, पापा उनके पास बोल रहे वो फट से कैप्चर कर रहे, तो
मजा आ गया उनको देख के। तो आपने भी उनकी कड़वाली सुनी, इसके लिए ना पापा को आप लोग भी आओ, आपको भी कड़वाली सुनाते हैं। हमारे होमस्टे में जो भी आता ना उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। जैसे अभी एक ने एक ग्रुप आया था, उन्होंने खाना बनाया अपने लिए, तो पापा उनको कुछ लोगों को कड़वाली सिखा रहे थे। और आज पापा की देखो मम्मी ने ड्यूटी लगा दी। एक डिमांड थी यार, मैं कोई आदमी बोला था कि आंटी की रेसिपी हमें दिखाओ। हाँ, मम्मी की रेसिपी। तो मम्मी की रेसिपी ऐसे दिखाएंगे, मम्मी कैसे दिखाएंगे आपकी रेसिपी बताओ। बता रहा था कि मम्मी की रेसिपी चाहिए ना। बोल मम्मी की रेसिपी खाना बनाते समय दिखा दूँ। हाँ, वो रेसिपी ऐसे दिखाएंगे जब आपको फुर्सत मिलेगी ना, उस टाइम पे दिखाएंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने उसमें काफी लोगों की डिमांड देखी है कि लोग बोलते हैं कि हमें आंटी की रेसिपी, हमने खाना खाया है, लोग खाना की बहुत तारीफ करते हैं, तो रेसिपी चाहिए। हाँ, लेकिन वो रेसिपी कैसी है वो दिखाओ ना कभी मम्मी की। हाँ, वो दिखाएंगे। आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ। ये देखो हमारे दिल्ली वाले भैया। तो खाना कैसे, खाना बना लिया आपने? सुंदर अंडा क्या बनाया, अंडा कड़ी। अंडा कड़ी, हाँ अंडा कड़ी बना दिया। और अभी हमारा ओरियो भी यहाँ पे सोया हुआ है। भी कड़वाली सिखानी है आपको, भी सिखाएगा कड़वाली। कड़वाली सीखनी है पर उसके लिए टाइम चाहिए। जयपुर वाला अभी ये मोटा मोटा था ना, जयपुर वाला, वो एक दिन में पूरी कड़वाली सीख गया, सिर्फ एक दिन में। मैंने काफी कैप्चर कर लिया, उन्होंने वो जो है काफी कुछ बोलने लग गया। तो गढ़वाली तो वो बहुत कुछ सीख ले, इसका क्रेडिट जाता है हमारे पापा जी को। फिलहाल हम अभी डिनर करेंगे, डिनर अभी बन ही रहा है, और रात के दिखाते हैं आपको टाइम कितना हो रहा है। आज सुइए देखो, ढंग से आ रहा है नहीं आ रहा है, डोंट नो। 9:59, मतलब 10 बज गया। और सुबह से ना आज मतलब एक टाइम भी ना मम्मी को फुर्सत है ना मुझे फुर्सत है, और पापा तो दुकान पे ही थे, पापा को भी कहाँ फुर्सत है। तो आज मतलब बैठे ही नहीं, थोड़ा सा एक आधा घंटा रेस्ट लिया था, और उसके बाद फिर से अपने ड्यूटी पर लग गए। तो ऐसे दिन में कभी कभी ही आते हैं। फिलहाल हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपने ब्लॉग को, हमारे जो डेली रूटीन रहता है तो ऐसे दिनचर्या को आपने इंजॉय करा होगा। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को इन जगहों आना है ना, माउंटेन्स पे आना है, पर्वतों पे आना है, ऐसी सीनरी देखनी है, तो हमारे होमस्टे को जरूर बुक करें। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।